दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अरबों रुपयों का खजाना दफन है। कमरू नाग नाम की यह झील हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में स्थित है। माना जाता है कि पूरे साल में 14 और 15 जून को बाबा कमरू नाग पूरी दुनिया को दर्शन देते हैं, इसलिए लोग पहले से ही यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाबा घाटी के सबसे बड़े देवता हैं और हर मन्नत पूरी करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लगभग 60 किलोमीटर दूर रोहांडा आता है, जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है। पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिसके बाद एक मंदिर के पास ही यह झील मौजूद है। यहाँ पर लगने वाले मेले में हर साल भक्तों की काफी भीड़ जुटती है और पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहाँ आने वाले भक्त झील में सोने चांदी के गहने और पैसे डालते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस झील की गहराई में अरबों का खजाना दफन है। देवता कमरूनाग को वर्षा का देवता माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान कमरूनाग को सोने चांदी और पैसे चढ़ाने की प्राचीन मान्यता है। यहाँ जून में लगने वाले मेले के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा झील में सोने चांदी के गहनों को अर्पित करते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर ऐसा माना जाता है कि झील की गहराई में काफी बड़ा खजाना दबा हुआ है। कमरूनाग में लोहड़ी पर आलीशान पूजा का आयोजन किया जाता है। कमरूनाग जी का जिक्र महाभारत में भी आता है और इन्हें बब्रुवाहन जी के नाम से भी जाना जाता है। ये धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन वे कृष्णा नीति से हार गए। इन्होंने कहा था कि वह कौरवों और पांडवों का युद्ध देखना चाहते हैं और जो सेना हारने लगेगी वह उसका साथ देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्णा भी डर गए कि इस तरह अगर इन्होंने कौरवों का साथ दे दिया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। श्री कृष्णा ने एक शर्त लगाकर इन्हें हरा दिया और बदले में इनका सिर मांग लिया। लेकिन कमरूनाग जी ने एक ख्वाहिश जाहिर कर दी कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्णा ने इनके कटे हुए सिर को हिमालय के ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन जिस तरफ इनका सिर घूमता वह सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। तब भगवान श्री कृष्णा ने उनके सिर को एक पत्थर से बांधकर उन्हें पांडवों की तरफ घुमा दिया। इन्हें पानी की दिक्कत ना हो इसलिए भीम ने यहां अपनी हथेली को गाड़कर एक झील बना दी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग अपने शरीर का कोई भी गहना यहाँ चढ़ा देते हैं। ये झील पैसों से भरी रहती है। ये सोना चांदी कभी भी झील से निकाला नहीं जाता, क्योंकि ये देवताओं का होता है। ऐसी भी मान्यता है कि ये झील सीधे पाताल तक जाती है, जिसमें देवी देवताओं का खजाना छिपा है। हर साल जून के महीने में 14 और 15 तारीख को बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये झील घने जंगल में है और इन दिनों के बाद यहाँ पर कोई भी पुजारी नहीं होता। यहाँ बर्फ भी पड़ जाती है और यहाँ से कोई भी इस खजाने को चुरा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कमरूनाग के खामोश सिपाही इस खजाने की रक्षा करते हैं। एक नाग की तरह दिखने वाला पेड़ इस पहाड़ के चारों ओर मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी इस झील के खजाने को हाथ लगाए तो ये नाग देवता अपने असली रूप में आ जाता है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट mysteriousnightsindia.blogspot.com पर
विजिट भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।